हाय एवरीवन, माय नेम इज फैज साकिर। वेलकम टू द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बच्चों, आज मैं आपको 1857 के क्रांति के बारे में बताऊंगा, 1857 की बगावत के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि 1857 की क्रांति को आजादी की पहली जंग के नाम से क्यों जानते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आम तौर पर चर्बी वाले कारतूसों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, यह सोचे बगैर कि महज कारतूस ही इतनी बड़ी बगावत की वजह नहीं हो सकते हैं। चर्बी लगे कारतूस तो सिर्फ एक इमीडिएट कॉज थे, एक फौरी कारण थे। यानी कहने का मतलब यह है कि सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों की वजह से ही 1857 की इतनी बड़ी क्रांति हुई थी, यह सच नहीं है। 1857 के क्रांति के पीछे और भी बहुत सारे कारण थे जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिपाहियों के मजहबी जज्बात पर हमला करना अंग्रेजों ने 1806 से ही स्टार्ट कर दिया था। इस साल मद्रास प्रेसिडेंसी के अफसरों ने सिपाहियों के लिए यह हुक्म जारी किया कि वह एक खास माप की दाढ़ी रखें, मतलब तमाम सैनिकों के दाढ़ी रखने का जो माप जो होगा वह एक होगा, तमाम सैनिक जो है वह एक ही तरह की दाढ़ी रखेंगे और पुरानी तरह की टोपियों के बजाय चमड़े का झब्बा लगा टोपियां पहनेंगे और परेड में किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे सैनिकों के जात के बारे में पता चले। आज के जमाने में बच्चों, यह काम भले ही आपको अजीब नजर आए, लेकिन 150 साल पहले हिंदुओं और मुसलमानों का रहन सहन बिल्कुल अलग था। हिंदू सिपाहियों के लिए पेशानी तक तिलक लगाना और मुसलमान सिपाहियों के लिए दाढ़ी रखना उस जमाने में आम बात थी। तो सैनिक जो है वह नहीं चाहते थे कि तमाम सैनिक एक ही तरह से दिखाई दें। सिपाहियों को यह भी शक था कि ये झब्बे सुअर या गाय के चमड़े से बने हुए हैं, जिसे छूना ही उन्हें नापाक करने के लिए काफी है। सिपाहियों को यह लगता था कि अंग्रेज इस तरह का कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वह उनको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। बच्चों, इसी किस्म के चर्बी वाले झब्बे की टोपी की वजह से वेलोर में क्रांति हुई, वेलोर में बगावत हुई, मतलब वेलोर में जो बगावत हुई उसके लिए चर्बी वाले झब्बे जिम्मेदार थे। वेलोर के कमांडेंट कर्नल ने हालांकि इस क्रांति को दबा दिया, लेकिन जनता बहुत ज्यादा गुस्से में थी और बगावत की आग जो है प्रेसिडेंसी के और 3 इलाकों में फैल गई। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले इन तमाम कदम को बाद में गवर्नर ने वापस लेने का ऐलान किया और उसने कहा कि अंग्रेज जो हैं वह सैनिकों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। 1857 के क्रांति के और कौन कौन से वजहें थीं? 1857 के क्रांति को आज़ादी का पहला जंग क्यों कहते हैं? अंग्रेज इसको जो है सिपोही म्यूटनी, सैनिक विद्रोह क्यों कहते हैं, हम आने वाले वीडियोज में जानेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। डेट्स ऑल, थैंक यू।